ड्री डिक्री की डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में देखते हैं कोई भी एडजुडिकेशन एडजुडिकेशन का मीनिंग होता है जुडिशल डिसीजन कोई भी एडजुडिकेशन जो किसी सूट में किसी सिविल प्रोसीडिंग में जो पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता हो कंक्लूसिव का मीनिंग होता है फ़ाइनल फाइनली डिटरमाइन करता हो फाइनली डिसाइड करता हो ऐसे एडजुडिकेशन ऐसे जुडिशल डिसीजन के फॉर्मल एक्सप्रेशन को जब उस एडजुडिकेशन उस जुडिशल डिसीजन को एक्सप्रेस किया जाएगा उसमें सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हूँ तो उसको फॉर्मल एक्सप्रेशन कहेंगे तो ऐसे जुडी एड जुडिकेशन जुडिशल डिसीजन के फॉर्मल एक्सप्रेशन को डिक्री कहते हैं एक बार और देखते हैं ऐसा एडजुडिकेशन जिसमें किसी सूट के अंदर जो पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया गया हो फाइनली डिसाइड किया गया हो ऐसे एडजुडिकेशन के फॉर्मल एक्सप्रेशन को हम डिक्री कहेंगे ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये आपके डेफिनेशन बनाते हैं और यही पॉइंट्स आपके असेंशल्स में भी आएंगे असेंशल्स देखते हैं असेंशल्स के अंदर भी फॉर्मल एक्सप्रेशन एडजुडिकेशन जुडिकेशन कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन राइट्स ऑफ पार्टीज और सूट फॉर्मल एक्सप्रेशन का मीनिंग हुआ जहाँ पूरी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हो उनका पालन किया गया हो एट जुडिकेशन जुडिशल डिटर्मिनेशन होता है कंक्लूजिव का मीनिंग आपका फाइनल होता है राइट्स ऑफ द पार्टीज हो गए सब्सटेंटिव राइट्स बेसिक राइट्स सूट किसी सिविल प्रोसीडिंग को कहते हैं डिक्री के केस में जो सिविल प्रोसीडिंग प्लेन के प्रेजेंट करने पे इंस्टीट्यूट की गई हो शुरू की गई हो तो यही आपके यही आपके असेंशल्स हैं और यही आपके डेफिनेशन में थे किसी भी एडजुडिकेशन के किसी भी कोई भी एडजुडिकेशन जो किसी भी सूट में जो पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता हो फाइनली डिसाइड करता हो ऐसे एडजुडिकेशन के फॉर्मल एक्सप्रेशन को हम डिक्री कहेंगे ये डेफिनेशन और एसेंशियल्स दोनों में आ गया अब देखते हैं प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री जब पार्टीज़ के राइट्स तो डिसाइड कर दिए गए हों लेकिन इससे जो सूट है वह कंप्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ हो ऐसी डिग्री जिससे पार्टीज़ के राइट्स तो डिसाइड कर दिए गए हों लेकिन अभी सूट कम्प्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ है सूट कम्प्लीट नहीं हुआ है उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है लिविंग द एक्चुअल रिजल्ट टू बी वर्कड आउट इन फर्दर प्रोसीडिंग्स एग्ज़ाम्पल से समझते हैं जैसे पार्टीशन का सूट है पार्टीशन के सूट में पहला स्टेप होगा कि जो को-पार्टनर्स हैं हिस्सेदार हैं उनका शेयर पता लगाना शेयर को पता लगाना जो है वह प्रीलिमिनरी डिक्री कहलाएगा सूट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है सूट कब कंप्लीट होगा जब टोटल पार्टीशन हो जाएगा मान लो ये खेत है इसका पार्टीशन होना है ए और बी के बीच में पार्टीशन करने से पहले यह पता लगाना होगा कि ए के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी बी के हिस्से में मान लो यह सौ बीघे का खेत है सौ बीघे के खेत में ए के हिस्से में बीस बीघे आनी है और बी के हिस्से में अस्सी बीघे तो यह पता लगाना कि कितना हिस्सा आएगा यह कहलाएगा आपका प्रिलिमिनरी डिग्री और जब यह पता लग गया उसके बाद ही पार्टीशन होगा अब मान लो यहाँ से पार्टीशन हो जाता है अब यह पार्टीशन होना आपका फाइनल डिग्री कहलाएगा सूट जो है पार्टीशन का वह पूरा हो गया है उससे पहले जो हमने दोनों के हिस्से पता लगाए थे वह प्रिलिमिनरी डिग्री हो गया डिटरमाइन द शेयर ऑफ को दिस डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर्स अमाउंट टू प्रिलिमिनरी डिग्री फाइनल डिग्री क्या हुई जब सूट जो है कंप्लीटली डिस्पोज हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा उस पर फाइनल डिसीजन आ जाएगा एंड फाइनली सेटल ऑल क्वेश्चन इन द कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन पार्टीज अब जैसे ऊपर वाले केस में शेयर पता लगाना कित किसके हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी यह तो प्रिलिमिनरी डिक्री हो गई और जो फाइनल पार्टीशन हो गया जिसके लिए सूट डाला गया था वह पूरा हो गया वह फाइनल डिक्री हो गई फाइनल डिग्री इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रिलिमिनरी डिग्री इफ प्रिलिमिनरी डिग्री इज सेट असाइड देन द फाइनल डिग्री कैन नॉट सर्वाइव अब जैसे इस पार्टीशन के सूट में अगर हम यही पता नहीं लगा पाते कि, कि किसके हिस्से में कितनी ज़मीन है तो हम इसका पार्टीशन कैसे करते इसलिए फ़ाइनल डिग्री जो है वो आपकी प्रीलिमिनरी डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट है दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हुए प्रीलिमिनरी डिग्री जो है कंप्लीटली डिस्पोज नहीं करेगी सूट को यह केवल पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन कर देगी लेकिन सूट का फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है फ़ाइनल डिग्री में यह सूट को कंप्लीटली डिस्पोज कर देगी उसके बाद कुछ और नहीं बचेगा डिसाइड करने के लिए प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वह फ़ाइनल डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है लेकिन फाइनल डिग्री जो है प्रिलिमिनरी डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट है अगर प्रिलिमिनरी डिग्री को ही हटा दिया जाएगा तो फाइनल डिग्री भी सर्वाइव नहीं करेगी जैसे सुपर वाले केस में देखा था पार्टीशन के केस में पहले हमें हिस्सा पता लगाना है किसके हिस्से में कितनी ज़मीन आ रही है उसके बाद ही हम पार्टीशन कर सकते थे तो किसके हिस्से में कितनी ज़मीन है उसको कहेंगे हम प्रिलिमिनरी डिग्री इस प्रिलिमरी डिग्री के ऊपर ही फाइनल डिग्री डिपेंडेंट है जब हिस्सा पता लग गए तभी हम पार्टीशन कर पाएंगे अब देखते हैं डिग्री होल्डर कौन होता है डिग्री होल्डर वह होता है जिसके फेवर में डिग्री पास की गई हो जजमेंट डेप्टर जजमेंट डेप्टर वह होता है जिसके अगेंस्ट डिग्री पास की गई हो डिग्री होल्डर जिसके फेवर में डिग्री पास की, की गई हो या फिर कोई ऐसा ऑर्डर पास किया गया हो जो एग्जीक्यूशन के कैपेबल हो और जजमेंट डेप्टर जिसके अगेंस्ट डिग्री पास की गई हो या ऑर्डर पास किया गया हो अब हम पूरी चैप्टर की समरी देख लेते हैं जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है केवल इनिवर्ड्स को याद रखना इनको रट लेना अच्छे से ये समरी जो है और भी चैप्टर्स की सारे चैप्टर्स की इस पीडीएफ के एंड में एक साथ दी गई है जिससे कि रिवीजन में आसानी हो पी डी को डाउनलोड करना हो तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हैं और इस पी के एंड में जाके सारे चैप्टर्स की समरी एक साथ एग्जाम से पहले ज़रूर कई बार आप रट लेना और इन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है तो इस चैप्टर की समरी देखते हैं डिग्री डिग्री में क्या याद रखना है हमको किसी भी सूट में जो पार्टीज़ हैं उनका गिर राइट्स को कंक्लूज डिसाइड करने वाला डिसीजन एडजुडिकेशन उस एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है वह आपकी डिग्री कहलाएगी तो सूट्स पार्टीज़ के राइट्स कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन और डिसीजन या फिर एडजुडिकेशन और फॉर्मल एक्सप्रेशन ये वर्ड्स याद रखने हैं इनको रट लेना अच्छे से यही आपके डेफिनेशन में आएंगे और यही आपके एसेंशियल्स में आएंगे प्रिलिमनरी डिग्री कौन सी है जो राइट्स तो डिटरमाइन कर देती है लेकिन सूट को कंप्लीटली डिस्पोज नहीं करती है ठीक है सूट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है केवल राइट्स जो हैं उनको फाइनली डिसाइड करती हो फाइनल डिग्री जो है टोटली totally राइट्स के साथ साथ आपके सूट को भी कंप्लीटली डिस्पोज करती हो सूट को फिनिश कर देती हो यह डिपेंडेंट होती है आपका प्रीलिमिनरी डिग्री पे डिग्री होल्डर जिसके फेवर में डिग्री पास की गई हो जजमेंट डेप्टर कहलाएगा जिसके अगेंस्ट डिग्री पास की गई हो तो यही चीज़ आपको रटनी है यूनिवर्स को आप रट लेना नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ऑर्डर